हरे कृष्णा। आज हम लोग चतुर्मास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है जिसमें ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम। इसमें ऋषभ देव कहते हैं कि अगर व्यक्ति को ये मनुष्य शरीर मिला है तो उसको किस लिए मिला है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, मतलब उसको तपस्या करनी है। मनुष्य शरीर मिला है तो हमें तपस्या करनी है। तो लोग देखा जाता है कि ज्यादा तपस्या में इंटरेस्ट नहीं लेते, इसीलिए भगवान ने कुछ स्पेशल दिन बनाए हैं। जैसे हम देखते हैं जन्माष्टमी है, रामनवमी है, या बहुत सारे ऐसे बीच बीच में फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें हम उपवास कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कुछ लोग इसको देवशयनी एकादशी से लेके देव उत्थनी एकादशी तक फॉलो करते हैं, और कुछ लोग आषाढ़ पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक इसको फॉलो करते हैं। तो इन 4 महीनों में कुछ चीजें वंचित होती है। पहले महीने में हम हरी सब्जियां का सेवन नहीं करते, दूसरे महीने में दही का सेवन, और तीसरे महीने में दूध का सेवन नहीं किया जाता, और चौथे महीने में उड़द दाल का सेवन नहीं करते। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ भक्त ज्यादा सीरियस होते हैं तो और फॉलो करते हैं। जैसे कुछ भक्त जो होते हैं वो जमीन पर सोते, और कुछ लोग जो होते हैं वो एक समय ही खाना खाते हैं, और कुछ भक्त जो होते हैं जो उनको प्रिय है खाने में उसका वो त्याग कर देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जिनको मिठाई बहुत प्रिय होती है तो वो मिठाई का त्याग कर देते हैं। कुछ लोग जो 16 माला करते हैं वो लोग प्रण लेते हैं कि इस पूरे 4 महीने में मैं 32 माला करूं, और अगर कोई लोग लेट उठते हैं तो वो लोग ये प्रण लेते हैं कि मैं जल्दी उठूंगा। तो ऐसे अनेकों चीज हम कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता की। तो ये चतुर्मास जो है वो अभी अभी शुरू नहीं हुआ है, 10 साल पहले, 20 साल पहले, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस चतुर्मास का पालन करते थे। षड गोस्वामी जो थे वो भी पालन करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी, सब लोग ये चतुर्मास का पालन करते थे। इसीलिए बहुत सारे भक्त जो है वही उनका अनुसरण करते हुए चतुर्मास का पालन करते हैं। तो इस चतुर्मास को हम पालन करेंगे। ये उपवास जो है ये क्या है, उप मतलब निकट और वास मतलब रहना, तो निकट रहना, भगवान के निकट रहना। तो ये जो भी हम तप करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपको शरीर को तपाना है, शरीर को तकलीफ देना है। इसका असली उद्देश्य ये है कि हम भगवान के पास रह सके, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण हो सके, और इंद्र तृप्ति से, सेंस ग्रेटिफिकेशन से हम दूर रहे। तो यही इसका असली उद्देश्य। तो हम सबको चतुर्मास का भगवान की तृप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए पालन करना चाहिए।